गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए क्लास कौन सी है बेटा? ये क्लास सिक्स्थ है। कौन सा है? क्लास सिक्स्थ है और एक्सरसाइज नंबर 8.1। देख रहे हो आप इसको? तो आप देखो, थोड़ा सा और ऊपर कर दूं मैं इसको। क्लास सिक्स का है, 8.1 है। चलिए आप देखिए, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन गिवेन टेबल। गिवेन टेबल में आप देखिए ये कितने टेंस में दे रखा है। ये एक बिल्डिंग है, 1, 2, 3। तो टेंस के नीचे मुझे लिखना है 3, और वंस की जगह पर कितना है? एक है, तो ये हो गया 31। और टेंथ की जगह पर कितना है? 2 है। तो आपको पता है कैसे लिखा जाता है ना? टेंस की जगह पर आपने 3 लिख दिए, वंस की जगह पर आपने 1 लिख दिए, और टेंथ की जगह पर आपको 2 लिखना है। तो इसका पूरा क्या हो गया आंसर? 31.2। ऐसे सेकेंड वाला भी आप चेक कर सकते हैं, 100 में कितना है? ये पूरा 100 है ये। उसके बाद ये जो आगे पीछे दे रखा है, वंस का तो दे नहीं रखा है, तो ये टेंथ का हो गया ये 1। इसका मतलब 110 हो गया, और टेंथ का कितना है? 4। तो 110.4, क्योंकि 100 की जगह पर 1 दे दिया बेटा। ये देखो, 100 के प्लेस पर कितना है? एक ही बिल्डिंग है, 100। 10 की जगह पर कितनी है ना? एक ही लंबा दे रखा है, तो 1 है। वंस की जगह पर कुछ नहीं है, तो 0 लगा दिया। 10th की जगह पर दे रखा है आपको 4, तो हो गया 110.4। ठीक है बेटा। अब आप इसको क्या करेंगे? राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल आपको पता है, वंस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, टेंथ, थाउजेंड, इधर हंड्रेड, पहले टेंथ के बाद हंड्रेड, फिर थाउजेंड। ठीक है, तो ये टेंथ का मतलब क्या होता है बेटा? ना 1/10। क्या हो जाता है? 1/10। उसके बाद हंड्रेड का क्या मतलब हो जाता है? ना 1/100। 1/100 ये 16 नहीं है, ये 10 है। 1/10 है। और हंड्रेड का मतलब क्या होता है? 1/100। थाउजेंड का मतलब, थाउजेंड का मतलब क्या होता है? 1/1000। तो आप ज्यादा नहीं है, सिर्फ पॉइंट के बाद एक एक डिजिट दे रखा है, इसका मतलब 10 तक दे रखा है। ऐसे लिखो, देखो 19 यहाँ डेसिमल है, यहाँ पे एक लाइन आप डेसिमल का दे सकते हो। तो 19.4, 0.3, तो इधर 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा ये 3, तो 10th के नीचे 3 हो जाएगा। 10.6 भी ऐसे आ गया, 10 10 का मतलब हो गया ये 1, इधर 0, और ये हो गया 6। फिर दे रखा है 205.9, तो 200 इधर हो गया 5, ये देखो दे रखा है। उसको पढ़ो क्या लिखा है, ये 205.9, 205.9। तो 205 का मतलब 100 के नीचे 2 लिखोगे, फिर 0, फिर 5, वो डेसिमल में 5। उसके बाद आ जाओ आपका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। डेसिमल में आपको लिखना है 7/10, 7/10 इक्वल टू 0.7। आपको और वीडियो आपको डेसिमल में देखना है, समझना है, और भी मैंने डेसिमल के लिए बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ, तो बेटा आप देख सकते हो। 2/10, 2/10 का मतलब 2 × 10 20, और 9/10 का मतलब हो गया 9/10, तो 20 + 0.9, तो हो गया 20.9। 14.6, ये तो डायरेक्ट दे रखा है, 14.6, 14.6। फिर आ जाओ 100 and 2 1s, 100, 100 को तो 100 हो गया, ये 100 हो गया, और 2 1s, तो 2 1s का मतलब 2 हो गया, तो 102 हो गया, 102। 600.8, देखो 600 हो गया और पॉइंट में 8, तो ये आपका हो गया। टेंथ का मतलब होता है पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो टेंथ होता है। इसका मतलब टेंथ कहते ही 9/10 होती है, 100 होते ही जो नंबर है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बेटा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज डेसिमल। बेटा आपको पता है ना, डेसिमल में मैंने आपको समझाया, 1 0 है, 1 के पहले पॉइंट लग जाएगा। ये 3 को तो 3 आ गया, 3.7, क्योंकि ये 7.10 का मतलब हो गया 0.7, तो 3.7। इसका देखो 265.1, क्योंकि 10 है, और 10 का मतलब 1 के पहले पॉइंट लग जाएगा। 70.8, 8.8, 4.2, 4.2, 3/2, इसको या तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई करो, नीचे 5 करो, 15/10, तो 1.5, या ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड करोगे ना? 3 को 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड बेटा कैसे होगा ना? 2 आ जा 2, 2 आ जा 2, ये माइनस करोगे, ये आपका आ गया 1। फिर क्या 2 के पार्ट, फिर यहाँ पॉइंट लगते ही यहाँ पॉइंट लगाओगे,
उसमें आपका 10 हो जाएगा, फिर ये पॉइंट पॉइंट लग गया बेटा तब तक, और 2 5 10 तो ये आपका 1.5, 10 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा, कुछ नहीं है, ये आपका हो गया। या दूसरे मेथड से भी आप उसको कर सकते हो बच्चे, देख लो कैसे करोगे। ना आपको दे रखा है 3/2, तो आप 3 को पहले देखो मैं 2 से क्या मल्टीप्लाई करूं जो 10 होगा, क्या 2 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है बच्चों, 2 5, ये 2 × 5 कर दिए, और जैसे नीचे आपने मल्टीप्लाई करोगे उसी सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना हो गया आपको ना 15/10, कितना बच्चे हो गया 15/10, और 15 को जैसे ही आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1.5, तो इसके मतलब आपका आंसर हो गया आपका ना 1.5 हो गया 1.5, तो ये आपका जो मैंने नंबर आपको बताया 1.5। तो देखिए ये 3/2, देखो ऐसे भी 15/10 ये हो गया आपका, एक के पहले पॉइंट लगा दोगे 1.5। 2/5, 5 × 2, 2 × 2, 4/10, एक के पहले पॉइंट लगेगा 0.4, ऐसे 5 × 10, या तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो जो मैंने बताया वो भी आप कर सकते हो, ऐसे 3 5 3 = 15, 18/5 उसको डिवाइड कर दो, या 5 × 2 = 10, और ऊपर हो गया जो भी है 2 मल्टीप्लाई कर दो वो आ गया, 4 2 = 8 एंड 9/2, 9 को 2 से डिवाइड कर दो बेटा। अगर ऐसे आप मल्टीप्लाई करने में अगर आप हिचकिचाते हो क्या, तो नहीं ये हमें थोड़ा टफ लग रहा है, ऐसे तो कुछ है नहीं, फिर भी अगर आप दूसरी मेथड से करना चाहो तो देखो बेटा 2 4 = 8 हो गया, ये तो 4 तो आपको ऑलरेडी दे ही रखा है, कुछ दिक्कत नहीं है, फिर भी ये आपका हो गया कितनी है 1 आ जाएगा बेटा 1। आपको यहाँ पॉइंट लगानी है, पॉइंट लगाने के बाद क्या करोगे ना, यहाँ पे 10 हो गया, और आप इसको ले जाओ 2 5 = 10, ये 2 में 5 ले लाओ, ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा 10, तो आंसर क्या हो गया 4.5, तो आंसर क्या हो गया 4.5 ये, या ये 4 को रहने दो, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो हो गया 4.5, ये आप ध्यान देना। नेक्स्ट में आते हैं, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, तो 0.6, एक के पहले पॉइंट है 1 0 लगा दो, एक के पहले पॉइंट है 1 0 लगाओ, देखो ये 1 है तो 10/100 कर सकते हो, या 1 करो, जिसकी बाद पॉइंट है उसको कुछ करना नहीं है, जैसे मैं लिखूंगा 2, इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.0, किसी नंबर के बाद में पॉइंट लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, पहले पॉइंट नहीं लगा सकते आप, 2 और 2.0 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो 1.0 मतलब 10/10 हो गया, क्योंकि एक के पहले पॉइंट एक, या 1 को 1 रहने देना। 3.8, 38 लिखो, कितने के पहले पॉइंट है, एक के पहले तो लगा दो, कितने के पहले पॉइंट है 1 1 1 0, कितने के पहले पॉइंट है 1 0, कितने के पहले पॉइंट है 1 0, फिर उसे काटना है, 6 और 10 किसके टेबल में आता है 2 2 3 = 6, 2 5 = 10, फिर 5 5 5 = 25, 5 2 = 10, वो तो बेटा आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा। दोबारा मैं आपको बताया, ये मैंने बताया आप देख सकते हो, कहीं अगर मिस्टेक हो तो आप उसको मुझे बता सकते हो, आप मुझे क्या कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल, क्या करना है बेटा सेंटीमीटर में आपको पता होना चाहिए, इसके लिए पूरे टेबल आपको याद होना चाहिए, मैं ज्यादा दूर से अब स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, देखो चलो मैं एक बार और सिखा दूं आपको, किलोमीटर क्या होता है बेटा, किलोमीटर से चालू होता है किलोमीटर, उसके बाद हम आते हैं हेक्टोमीटर, उसके बाद हम आते हैं डेकामीटर, DAM लिखते हैं उसके लिए, उसके बाद हम आते हैं मीटर, उसके लिए हम आते हैं डेसीमीटर, उसके बाद हम आते हैं सेंटीमीटर, उसके बाद हम आते हैं मिलीमीटर, इसमें क्या क्या जा रहा है ना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर करना है, इसका अर्थ क्या है, जब हम इधर से इधर जाएंगे मल्टीप्लाई करते हैं, जब इधर से इधर जाएंगे तो डिवाइड करते हैं, तो जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर करोगे बाय 10 करते हैं, वो ध्यान देना 10 mm = 1 cm, 1 mm बराबर में 1/10, वो जितनी दे रखा है आपको 10 से डिवाइड करना है, ये 4 cm दे रखा है उसको अलग रखो, बस इसको डिवाइड करो 2 से, तो ये आप देखो 2/10, 2/10 0.2, ये 10/ ये आपका हो गया 30 30/10, ये आपका 3 हो गया, 3.0 या 3 लिख दो, ये 116/10 तो 11.6 हो गया, ये 4.2/10.2 तो 4.2, ये 16.2, ये हो गया 8.3, इसका मतलब एक के पहले एक के बिफोर में आपको पॉइंट लगाना है,
ओके आपको समझ में आ गया होगा बेटा इस चीज को, क्योंकि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर उस हिसाब से आप उसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आ जाते हैं। 7 बिटवीन अदर टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन लाई, व्हिच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरेस्ट द नंबर। अब देखो बेटा जी, वन ये वन और 0.8, देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, यहाँ से 0.9 फिर आपका आ जाएगा 1। तो इसका मतलब 0.8 किसके नजदीक है ना, 1 का नजदीक है, 1 का नजदीक है। अब आप देखो दूसरा 5.1, तो 5 के बाद 1 से लेकर 10 तक लाइन खींचोगे तो 6 तक आएगा, तो 5 का नजदीक है। ओके उसके बाद आ जाता है 2.6, देखो 2.5 तो ये बीच में हो गया, 6 आते ही 3 के नजदीक हो जाएगा, 2.4 आ गया तो 2 के नजदीक हो गया। अब आ जाओ 6.4, वो 6 के नजदीक हो जाएगा। 9.1 9 के नजदीक है, और आपका हो गया 4.9, वो 5 का नजदीक हो जाएगा। तो ये मैंने बताया कि नियरेस्ट जो नंबर है होल नंबर है उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है बेटा। सो द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, देखो 0.2, देखो ये आपका क्या हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे में 0.2 कहाँ से आ गया, ये हो गया 0.2। 1.9 देखो ये 1 है और यहाँ से लेकर 9 तो गिन लो, ये हो गया 1.9, एक ही नंबर लाइन में बना दो। 1.1 ये हो गया आपका, ये 1.1, अलग अलग बनानी है तो अलग अलग भी आप बना सकते हो। फिर 2.5, 2 चले जाओ, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, तो ये जो लाइन हो गया 2.5। आ गया बेटा समझ में बड़े प्यार से, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9 के बाद 0.10 नहीं होता, 1 आ जाएगा, फिर 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे, तो बन गया बेटा। नेक्स्ट में आ जाओ, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट्स बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। अब ए देखो बेटा क्या है ना, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो 0.8 हो गया। फिर बी 1.1, 1.2, 1.3 हो गया। फिर सी 2.1, 2.2 हो गया। फिर डी 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2.9, तो आ गया बेटा, अब कर सकते हैं उसे समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इतने, देखो रमेश का जो नोटबुक है कितना है, 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। आपको पता है क्या होता है, इधर सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर के बाद जो छोटे इकाई होता है बेटा मिलीमीटर होता है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो mm हो गया। व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में करोगे, 1 सेंटीमीटर बराबर में, क्योंकि बेटा 9 सेंटीमीटर तो है ही है, यहाँ दे रखा है 9 और यहाँ दे रखा है आपको 5, तो आपका इस 9 सेंटीमीटर को तो कुछ करना नहीं है, बस इस 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर करनी है। इसका मतलब जब छोटे को बड़े करना होता है डिवाइड करते हैं 10 से, तो 9 + 5/10 इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में आता 9 सेंटीमीटर हो गया 90 मिलीमीटर और 9 तो 95 मिलीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर पूछा है तो मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर करना पड़ेगा, ये आपका है। दूसरा दे रखा है द लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट, ओके एक छोटा सा एक प्लांट का है, वो 65 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो 65 मिलीमीटर को सेंटीमीटर करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, 1 0 है, 1 के पहले लग गया। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट में हम आते हैं 8.2 में आते हैं, देखो बेटा क्या दे रखा है, ये डेसिमल दे रखा है आपको, इसमें गिनना पड़ेगा ये कितना है, पूरा 100 है ये मुझे लग रहा है, उसमें से 10 10 20 21 22 23 24 25 26 26 100, इसको तो गिन के आप कर सकते हो। देखो 26 by 100 मतलब 0.26, इसका मतलब 10 की जगह पर 2 है, 100 की जगह पर 6 है, या उसको ऐसे नहीं लिख सकते आप, कैसे लिख सकते हो ना, ये 26 26 है और कितने में से 26 है ना, 100 है, 100 में से आप 26 ले रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया 26 by 100, इसका मतलब 0.26। तो ये जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 0.26 0.26। ओके क्यों ऐसे क्यों ले रहे हो ना, अगर बेटा मैं बताऊंगा, एक ऐसे मैंने लिया और दो बराबर भाग में बांटा, मैं कहूंगा बताओ इसको मैंने काले कर दिया कितना है ना, जितना मैंने लिया एक भाग है टोटल कितना है 2, ऐसे ऐसे उसको लेना है, उसको आपको करना है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो बेटा। बी देखो कितना है, 1 तो पूरा है तो 1 आ गया, दूसरा आपका 10 20 30 38 है, तो 1 तो पूरा दे रहे आपका, 1 पूरा आपको दे दिया, 1 पूरा दे दिया मतलब 1 1 की जगह पर 1 दे दिया,
और ये 38 है, मतलब 38/100, इसका मतलब 1.38। दूसरा में एक पूरा है, ये 28 है, तो 28/100, तो 1.28, ऐसे आप इसको कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन नंबर टू में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर टू आपको दे रखा है, राइट द नंबर्स गिवेन इन द टेबल प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। तो आप देखो ये क्या है, थ्री, ये थ्री दे रखा है ना, थ्री, तो ये 0 × 100, 0 × 10, 3 × 1, 2/10, 2/10 या 2 × 1/10 कर सकते हो, 5/100 और छोड़ो, ऐसे आप कर सकते हो उसकी। तो आप देखो 3.25 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ये आपका वंस का है तो 3 लिखो, 0.25, ये देखो 102.63, 30.025, 211.902, 12.241। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। वंस के बाद यहाँ डेसिमल आता है, ये जो पॉइंट, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये यहाँ पे जो है डेसिमल लगता है, उसके बाद ये पॉइंट, यहाँ डेसिमल का मतलब होता है एक तरह से पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट देखो 3 पॉइंट, ये पॉइंट आ जाएगा 25, 102.63, 30.025, 211.902, 12.241, ऐसे आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री। ए प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखोगे, देखो पॉइंट डेसिमल, तो डेसिमल तो ये वंस के बाद आता है, यहाँ डेसिमल आ गया 2.9, तो इधर 2 लिख दो, इधर 9 लिख दो, क्या दिक्कत है। 2.08, 2 आएगा वंस के पास, फिर 2 वंस के पास, इधर देखो 0 कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 हो गया, इधर 8 हो गया। पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा तो इधर आता है, पॉइंट के पहले जो नंबर होल नंबर आता है वो इधर आता है, जैसे 19.60, तो 19 10 में आएगा, 9 आ गया, फिर पॉइंट, फिर 60 आ गया, 148, 148.32, 148.32, 200.812, 200.812, ऐसे आपका हो गया। प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है, इसको याद करना है, डेसिमल, वंस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, इसके बाद टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड। टेंथ का मतलब आप एक 1/10, हंड्रेड का मतलब हंड्रेड, का मतलब 1/100, थाउजेंड का मतलब थाउजेंड लिख के THS, हंड्रेड लिख के THS, टेंथ लिख के THS आप करना है, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो देखो अब ऐसे टेबल बना के भी आप लिख सकते हो, जैसे वो टेबल था ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप देखो 20 + 9, 29 हो गया, कितना हो गया ये 29, उसके बाद आप क्या करेंगे, 29 हो गया, उसके बाद पॉइंट आ गया क्या, बिल्कुल 10 है, तो जो 10th के जगह पे कितना है, 4 है, और 100 के जगह पर, 100th के जगह पर 1 है, जैसे 147.05, क्यों, देखो 5 के नीचे में 100 है, तो 10 तो खाली है, तो आप इस टेबल को आप देख सकते हो, ऊपर वाला जो मैं टेबल दिखा रहा हूँ इस प्रकार देखो, अगर 10th नहीं आएगा, मैं इसमें लिख सकता हूँ 10th नहीं आएगा, 100th आएगा, तो बेटा यहाँ तो 0 लगना ही लगना है, तो इसमें वही चीज आपको देखना है। इसमें टेबल बना के भी आप लिख सकते हो, टेबल कैसे बनाओगे, जो टेबल आपका बना पड़ा है उसमें, यहाँ आपका ये मेरा डेसिमल का प्लेस हो गया, यहाँ आपका हो गया वंस हो गया, ये आपका टेंथ हो गया, ये आपका हंड्रेड हो गया, और इसके बाद ये क्या हो गया, ये आपका टेंथ हो गया, ये आपका हंड्रेड हो गया, और ये आपका थाउजेंड हो गया। ध्यान देना मैंने डेसिमल किसको लिया है, मान लो कि मेरा डेसिमल ये वाला है, अब वो दे रखा है देखो 137, तो इसके में आ जाओ आपका, तो 1137, बिल्कुल, उसके बाद जो टिक लग रहा है वो पॉइंट हो गया, फिर 05, तो इधर आपको 0 लिखने का है, और इधर आपको 5 लिखने का है, ये तो या क्या बताए 137, तो 137 ये तो हो गया तीनों, प्लस 5/100, हंड्रेड, तो ये 5/100, ये जो ये हो गया आपका टेंथ है, ये क्या है आपका टेंथ है, ये आपका क्या है हंड्रेड है, तो हंड्रेड के नीचे 5 लिख दो, तो ये तो खाली नहीं रख सकता है ना, तो आपको 0 लगानी है। तो ऐसे ये जो क्वेश्चन है आपको समझना है, इसको आपको समझना है, ठीक है। ये जो आपको दे रखा है देखो, ये 725 तो हो गया, लेकिन टेंथ नहीं है, डायरेक्ट हंड्रेड है, तो टेंथ के लिए 0 लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। यहाँ पे देखो 10 दे रखा है, तो 100 नहीं है, इसका मतलब 100 की जगह पर हमें 0 लगाना पड़ेगा। बेटा जहां 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 नहीं है वो आप लिखोगे ना ऐसे, जैसे मैं कहूंगा 2004, तो आप ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, ये 24 ही हो गया 2004, ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको 2000 हुआ ही नहीं है, 1000 पे 2 लिखोगे, 100 में कुछ नहीं लिखा है तो 0, 10 में कुछ नहीं लिखा है तो 0, फिर 4 को 4 लिखोगे, ये हो गया 2004, ये 0 है बेटा।
2004 हो गया ऐसे। तो जहां आपको देखो ये 9 के बाद 100 दे दिया, तो 10 कहाँ गया? नहीं है, तो 0 लगा दो यहाँ। यहाँ पे आपको 10 के बाद 100 नहीं दिया, 100 प्लस में 0 लगा दो, ऐसे आपको करनी है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड, 0.03 या 0.03, 1.20, 108.56, 10.07, 0.032 एंड 5.008 ऐसे लिख सकते हो, या अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो आप जो लिखा हुआ है 5.008 पॉइंट, पॉइंट डेसिमल की जगह पर पॉइंट लिखोगे, पॉइंट। ठीक है, बिटवीन व्हिच टू नंबर्स द 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज नॉट ऑफ द गिवन नंबर लाइन। बिटवीन व्हिच टू नंबर्स मतलब किन दोनों के बीच में, बिटवीन व्हिच टू नंबर्स इन 10th प्लेस, 10th प्लेस के, 10th प्लेस के बारे में बात किया जा रहा है। ऑन द नंबर लाइन, लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइन, ये लाइ करेगा किस दो के बीच में। देखो 0.1, क्योंकि ऑल द नंबर्स लाई बिटवीन 0 एंड 1। देखो ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये ना तो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कुछ होल नंबर कुछ नहीं है, 0 से स्टार्ट है। तो 0 और 1 के बीच में सारे लाई करेगा, लेकिन किसके बीच में लाई करेगा? 0.6, देखो 1 के बाद आता है 0.1, 0.2, इसमें तो नियरेस्ट किसका होगा? ना ही 0.1 का। और ये दे रखा है बिटवीन व्हिच टू नंबर्स, ये जो सारे नंबर किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में, लेकिन नजदीक किसका होगा? 0.1। 0.45 तो 0.5 का नजदीक होगा, 0.19 0.2 का नजदीक होगा, 0.66 0.7 का नजदीक होगा, 0.92 0.9 और 0.1 के बीच में आएगा ये, 0.8 59 57, 0.6 0.6 और 0.7 में ये नंबर आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना। राइट द फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, बेटा 60/100 फिर 10 से काट दो, ये लोएस्ट टर्म का मतलब हो गया। इसको आपको क्या करना है, ये जो डेसिमल दे रखा है फ्रैक्शन में करो और काट दो। देखो इसी टाइप का आपको करना है, ये देखो पॉइंट के पहले 1 2 गिनो कितना डिजिट आ गया, 2, तो 60/1 में 2 0, 1 और 2 5 में 2 0, 1 और 2 1 में 2 0, फिर 25 3 जा, 25 4 जा और 2 9 जा, 2 15, 2 5 जा 10 0। तो ऐसे आप क्या करोगे, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो फिर उसको काटो। बहुत सारे बच्चे जो काट नहीं पाते हैं उनको समझना है, 100 125 1 जा 125 125 8 जा 1000। और डायरेक्ट भी अगर आपको डिवाइड करने में आपको दिक्कत है, आप सोच रहे हो हम छोटे बच्चे हैं 6 क्लास के हैं, हम डायरेक्ट सर कैसे उसको डिवाइड करेंगे, हमें काटना नहीं आ रहा है, तो बेटा उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगा। इसमें देखो 125 आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो ना 125, तो आप क्या करेंगे बेटा 125 के लिए, 125 के लिए 5 से काट दो, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ऐसे इसको भी 5 से काटो बेटा, 5 2 जा 10 5 2 जा 10 और 0 और 0। अभी 25 का तो टेबल सबको आता होगा, 25 8 जा 200, 25 8 जा 200। तो ऊपर कुछ नहीं, बच्चे 8 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, नहीं ये 25 1 जा 25 है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ना, 1/8, 1/8। नहीं तो बच्चे से और भी काट सकते थे, 5 5 जा 25, 5 होगा यहाँ पे 40, फिर 5 हो जाएगा तो 8 होता, ऐसे भी आप कर सकते हो। इसको अच्छे तरह से आप देख लो, 0 6 6 तो 1 2 3, 1 में 3 0 है तो 2 से कट रहा है, ऐसे आप करना। कोगे पता कैसे लगेगा कि 2 से कट रहा है, जिसके लास्ट में 6 होती है वो 2 से कटता है, जिसके लास्ट में 5 है वो 5 से कटता है, जिसको दोनों को जोड़ो 8 और 1 9 तो वो 3 से कटेगा, 5 है तो 5 से कटेगा, 5 है तो 5 से कटेगा, 0 है तो 5 से कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो वो चीज आपको देखना है, ठीक है बेटा। वो आप एलसीएम और एचसीएफ में आपने पढ़े हो, उसको मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब 8.3 देख लो बेटा, इसमें क्या दिख रहा है, 8.3 देख लो थोड़ा फटाफट, क्योंकि ज्यादा लेंदी होगा तो आप बेटा उसको नहीं कर सकते। तो देखो 0.3 और 0.4 में बड़ा, देखो पॉइंट के बाद देखते रहेंगे। देखो मैं एक छोटी सी बात बता दूं क्या होता है, होल नंबर में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे 243 243 और मैं बोलूंगा बेटा 199, तो आप कहोगे कि सर ये 243 बड़ा है, इसका मतलब अब 100 प्लेस को देख रही हूँ, 100 प्लेस को। ऐसे इसमें भी पॉइंट के बाद जो नंबर बड़ा होगा वही बड़ा होता है। देखो 3 और 4, ये 4 बड़ा होगा क्योंकि पॉइंट,
जीरो 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 सेम हो गया, फिर सेवन बढ़ाएं तो 0.7 बड़ा हो गया, 3 और 0.58 तो 3 बड़ा होगा क्योंकि वो हॉल नंबर है, 0.505 तो ये आपका 5 बड़ा होगा क्योंकि पॉइंट के बाद देखो ये 5 है, पॉइंट के बाद देखो ये 0 है, तो बड़ा कौन होगा, 5 बड़ा होगा। 1.23, 1.2, देखो पॉइंट के बाद 2 और 2 इक्वल है लेकिन उसके बाद ये 0 है, ये 3 है, क्योंकि नहीं है कुछ भी, पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, तो ये आपका ये 123, 120, तो बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा। 0.9 देखो पहले 0 आ गया, 1 आ गया, तो बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा। 1.5, 1.50 दोनों इक्वल होगा, कोई बड़ा नहीं है। ओके, इसमें 1.4, 4 को 4 आ गया, 1 को 1, 3 और ये 9 है, तो ये वाला बड़ा होगा। ये 3.3, 3.300 दोनों इक्वल है। 5.6, 5.6 दोनों इक्वल है लेकिन ये 4 है, ये 3 है, लेकिन ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब है ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर दोनों इक्वल है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कौन सा बड़ा है। समझ में आ गया होगा बेटा आपको, इसमें भी आप चेक कर लेना, वही चीज आपको दिया हुआ है, थोड़ा मैं आपको दिखा दूं जो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक 5 मोर एग्जांपल्स एंड फाइंड द ग्रेटर। मेक 5 मोर एग्जांपल्स, कोई बात नहीं, बिफोर कंपेयरिंग राइट बोथ टर्म इन द लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल आपको बताया गया है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। लाइक डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट के बाद यहाँ जितने डिजिट है, यहाँ देखो यहाँ 2 डिजिट है और ये यहाँ पे 1 डिजिट था, इसका मतलब है 1.80 और 1.82। देखो पॉइंट के बाद डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल होनी चाहिए, ये 1 2 2 डिजिट है, 1 2 वो इक्वल हो गया, ये लाइक डेसिमल हो गया। अनलाइक डेसिमल कैसे, ये 1 है इसमें 2 है, इन दोनों में बड़ा कौन है ना, ये 8 2, देखो ये 8 है, ये 2 है, ये 1 तो 1 है, फिर ये 0 है, फिर ये 0 आ गया, तो इसका मतलब ये 9 है, तो कौन बड़ा हो गया ना, 1.09, यहाँ यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 9 है, तो बड़ा कौन हो जाएगा ना, 1.09 ये बड़ा हो जाएगा, और इसमें बड़ा कौन है, 1.82 बड़ा हो गया। इन दोनों में बड़ा देखो ये 10 है, ये 100 है, बड़ा कभी 10 तो बड़ा नहीं होगा क्यों, होल नंबर बड़ा है, तो इसको बिन देखे हम बोलेंगे ये बड़ा हो गया। 5.1 और 5.0 आगे तो बाद की बात है, लेकिन 5.1 और 5.0 में बड़ा ये वाला है, 5.1 करें, 4.2 और 421, तो इसमें बड़ा कौन है, 421 ऐसे करना है हमें। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8.4 में आ जाते हैं बेटा, क्या होती है 8.4 ना, रुपीज को देखो एक्सप्रेस एज रुपीज, पैसे को जब रुपीज करते हैं समझना है, डिवाइड में हमें 100 करते हैं, अगर पैसे हो, अगर रुपीज दे रखा हो, रुपीज करना होता हो तो कुछ नहीं करना है बिल्कुल। 5 पैसे, 5/100 तो 0.05, 100 में 2 डिजिट है तो 2 के पहले पॉइंट लग गया। 75 पैसे, 75/100 लग जाएगा, तो ये थोड़ा सा आपको मिस्टेक दे रखा है, यहाँ पे 7 हटा हुआ है, हाँ यहाँ पे 7/5 कर देना, तो 75/100 0.75। 20 पैसे, 20, अरे ये 5 कहाँ से दे दिया, ये 20 बेटा आ जाएगा, क्या दे रखा है, 20 पैसे, अगर आप 20 पैसे की बात करोगे तो 20 यहाँ आएगा ना बेटा, ये 5 नहीं आएगा, वो मिस्टेक बाय मिस्टेक दे देता है कभी कभी, यहाँ आपका आ जाएगा 0.20, 0.5 नहीं, गलत दे रखा है, 0.20। थोड़ा देख के आप, आंख बंद करके नहीं लिखना है बेटा, समझना है, ये आपको हिंट्स दे रहा हूँ, जो गलत इसमें दे रखा है उसको सही करना है। आपका आ जाएगा 50 रुपीज, तो 50.9 पैसे, 90 पैसे, 90/100 तो 90.50.90। उसके बाद 725 पैसे, 725 डिवाइड बाई 100 तो 2 के पहले पॉइंट, 7.25। ये एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल, मीटर 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर, जब वो सेंटीमीटर को मीटर करते हैं तो डिवाइड में क्या करते हैं, 100 करते हैं, जब सेंटीमीटर को मीटर करते हैं डिवाइड में 100 करते हैं, तो ऐसे 1 सेंटीमीटर तो 15 सेंटीमीटर, 15/100 तो 0.15, और 6 सेंटीमीटर 6/100 0.06, और 2 मीटर 2.45 0.45, 9 मीटर तो 9.07 ऐसे करना है। ई में 419 सेंटीमीटर 419/100 9.19 मीटर, ये आपका। उसके बाद एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल, तो क्या हुआ, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, अब पता है जब जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर करेंगे आपको डिवाइड में 10 करना पड़ेगा, क्यों 10 करना पड़ेगा, प्रीवियस इसमें मैंने कराया आपको
क्योंकि आपको क्या होता है ना, सेंटीमीटर उसके बाद मिलीमीटर आता है, सेंटीमीटर उसके बाद मिलीमीटर आता है। तो जब बेटा सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर आएगा तो कहने मतलब क्या होती है, इधर से इधर जाओगे मल्टीप्लाई करोगे, 1 सेंटीमीटर बराबर में 10 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर बराबर में 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 1 मिलीमीटर बराबर में 1/10 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो छोटे को बड़ा करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। देखो समय 10 कर दो, 5/10 0.5, 60/10 6, 164/10 16.4, 9.8 ऐसे बेटा बहुत आसान है, कर लेना। 4, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। जब मीटर को किलोमीटर करना पड़ेगा तो आपको ध्यान देना है क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में 1000। ऐसे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर में 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर में 1/1000 किलोमीटर। तो इसमें सब में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अच्छी तरह से, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बड़े प्यार से आप कर सकते हो। और किलोग्राम को ग्राम करोगे, 1 किलोग्राम बराबर में 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर में कितना बेटा ना, 1 किलोग्राम बराबर में 1000 ग्राम है। उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसको करना पड़ेगा। तो ओके, तो 1 किलोग्राम बराबर में कितना ग्राम मैंने बताया, 1000। तो किलोग्राम को जब हमें, जब ग्राम को किलोग्राम करना करना पड़ेगा तो डिवाइड में क्या करना पड़ता है बेटा, 1000, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1000 में डिवाइड करने का मतलब हो गया 3 के पहले पॉइंट, 2 ग्राम 2/1000 तो 1 2 3, 3 के पहले पॉइंट, ये 0 तो लगाते ही लगाते हैं। 100 ग्राम 100/1000 2 0, 3 के पहले पॉइंट 0.1 ऐसे करना है। 3750 3 के पहले पॉइंट 3.750 ग्राम kg ऐसे ऐसे आपको करना है इसमें। नेक्स्ट में आ जाओ आप 8.5 में, फाइंड द सम, इसको आप लाइन में लिखना है फिर जोड़ना है। या तो ऐसे जो ये जो दे रखा है देखो 0.007 0.007, ऊपर ये लाइन लिखो या ना लिखो लेकिन नीचे आप उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। 8.5 8.5 30.08 30.08, फिर उसको आप सॉल्व करो। जो कुछ नहीं है, अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो लगा सकते हो, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होते लिख सकते हो। ऐसे करके आप इस जोड़ को आप देख सकते हो। जोड़ बेटा आसान है, सिंपल है, लेकिन जो ये 2 है इसका मतलब कहाँ लिखोगे, ये 10th में लिखोगे? बिल्कुल नहीं, वो 1s में लिखोगे, क्योंकि 2 का मतलब होता है 2.0। वो ध्यान देना है, जो होल नंबर होता है उसके बाद पॉइंट लगता है, ये ध्यान देना। बच्चे गलत करते हैं इस चीज में, वो 2 को क्या करते हैं इधर लगा देते हैं, इधर नहीं है, वो 1s में लगानी है, ठीक है। अभी आप इसका आंसर आप चेक कर सकते हो बेटा, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक आपको दिख रहा होगा तो मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको चेक कर लूंगा। अब आप आ जाए बेटा एफ तक, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रसीद है, वो ओके, वो स्पेंड करता है 35 रुपये 75 पैसे मैथ की बुक खरीदने में, ऐसे महंगा है, और साइंस बुक खरीदने में 32 रुपये 60 पैसे। आप दुकान जाते हो, 10 रुपये के बिस्कुट लेते हो, 20 रुपये का कोई एक चिप्स कुरकुरे लेते हो, कितना रुपये खर्चा कर दिए, 10 और 20 30 रुपये। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, क्योंकि टोटल अमाउंट पूछा है, जहां पे टोटल अमाउंट पूछेगा उसको ऐड करना है बेटा। तो दोनों को ऐड कर दिया गया, तो रशीद ने कितना खर्चा किया, 68 रुपये 35 पैसे 68 रुपीज 35 पैसे। क्वेश्चन नंबर 3, राधिका की मदर सोहेब ओके हर इतने एंड हर फादर गेव हर, मम्मी ने दिए ओके गेव हर, हैव नहीं है गेव हर, ये गेव गेव हैव नहीं, गेव हर इतने रुपए दिए राधिका की मम्मी ने, उसके पापा ने इतना दिए, टोटल अमाउंट बिल्कुल वही है, जहां टोटल अमाउंट होगा दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करते टोटल मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है नसरीन इतने इतने मीटर कपड़े, देखो ये इधर हो गया मेरा मीटर हो गया, इधर हो गया मेरा सेंटीमीटर हो गया, उसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ 3 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, और इसमें 20 सेंटीमीटर हो गया, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर हो गया, और दूसरा हो गया मेरा 2 मीटर हो गया और 5 सेंटीमीटर। तो 5 इसमें नहीं लिखते हैं बेटा, इसमें लिखते हैं, इसमें इधर से बच्चे यहाँ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब सोचोगे सामने बोले थे बाद में जीरो लगाने का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा डेसिमल में पॉइंट में ऐसे नहीं है, तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो आप या तो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर हो गया 3.20 मीटर, और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर हो गया 2.05 मीटर। तो यहाँ जीरो लगा ना, तो इसको आप यहाँ जीरो लगा सकते हो लेकिन उधर नहीं है। देखो 2 मीटर हो गया 200 सेंटीमीटर प्लस 5 205 सेंटीमीटर, 320 205 तो कितना होगा 525 सेंटीमीटर। उसको मीटर करोगे तो 100 से डिवाइड कर दो, ये भी तरीका है, इससे भी आप कर सकते हो। आपको मेरे बात समझ में आया बेटा? नेक्स्ट में आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 5, और क्या है नरेश इतनी किलोमीटर सुबह चलता है और इतनी किलोमीटर शाम को चलता है, तो बेटा बताओ कि फिर वही चीज है,
या तो कि 1 किलोमीटर बराबर में 1000 मीटर इधर मेरा, या तो दोनों को किलोमीटर में कर दो। ओके, ये हो गया मेरा किलोमीटर है और ये हो गया मेरा मीटर है। सिंपल सी बात है, आप समझने की कोशिश करें। ये हो गया 2 किलोमीटर और 35 मीटर, 35 मीटर हो गया, 35 मीटर। और दूसरा क्या दे रखा है, 35 और 1 किलोमीटर, ये मेरा 1 किलोमीटर हो गया। और 7 मीटर, तो 7 मीटर मतलब इधर से लिखेंगे, इधर से नहीं है बेटा, उधर से लास्ट से, तो ऐसे लिखना है आपको। तो 7 5 12 को 2 1 3 1 4, तो ये मेरा हो गया 42 मीटर। तो आप आंसर में क्या लिख सकते हो, 3 किलोमीटर 42 मीटर, 3 किलोमीटर एंड 42 मीटर। अदरवाइज इसको किलोमीटर में करोगे, ये 42 बाय 1000, 3.042 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, आप बस में इतना जाते हो, कार से इतना जाते हो, और इतना मीटर पैदल जाते हो, 1 किलोमीटर बराबर में 1000 मीटर। तो ये 500 और 200, 700 कितना हो गया, 775 हो गया, तो 775 मीटर हो गया। और पैदल में 15 और 7 कितना हो गया बेटा, 22, तो 22 किलोमीटर और 775 मीटर, या उसको लिख दो 22 किलोमीटर हो गया। उसके बाद क्या है ना, 775 मीटर, तो 700 मीटर को जब किलोमीटर करते हैं तो 775 मीटर डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 1000 कर देंगे, तो यहाँ 1, इसके बाद आपका 0, उसके बाद 0, उसके बाद 0, तो आपका आ जाएगा 22.775 किलोमीटर। इतने में उसने चावल खरीदा, और उतने में, इतने में उसने राइस खरीदा, उतने में वो चीनी खरीदा, और इतने में वो फ्लोर खरीदा, कितना टोटल वेट कितना है, तो तीनों को जोड़ देना जो आपका आएगा टोटल है। ओके बेटा, उसके बाद आपका 8.6 में आते हैं, सब्सट्रैक्ट करना है। देखो इससे उसको घटाना है, इससे उसको नहीं घटाना, 20.75 माइनस में 18.25, वो आप करना है, वो आप देखना है, ठीक है बेटा। अब आप देखिए बेटा, ये देखो 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 चला गया 5, 10 में से 8 गया 2, तो कितना हुआ, 2 रुपीज 50 पैसे। देखते रहना कहीं केजी तो नहीं है, कहीं मीटर सेंटीमीटर तो नहीं है, बिल्कुल। ये दे रखा है 250 में से 202.54 मीटर, तो 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर, सिंपली करना है। जहाँ ज्यादा आता है, आवर हो गया, किलोमीटर में मीटर, वो दिक्कत है, ये तो डायरेक्ट आपको जैसे माइनस करते हैं डायरेक्ट कर दो। ऐसे ये भी वही है, सिंपल करना है, ये भी आपको इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल माइनस दे रखा है, वो आप करना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये भी माइनस दे रखा है, सेकंड वाला भी आपको क्या दे रखा है, सेकंड वाला भी आपको माइनस दे रखा है, वो भी आपको क्या करना है, आपको माइनस ही आप कर सकते हो, ठीक है। राजू बॉट ए बुक कितने रुपए, वो इतना रुपए शॉपकीपर को दिया। बेटा किताब का मूल्य है 35 रुपए 65 पैसे, 50 रुपए शॉपकीपर को दे रहे हो, तो हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक। तो 50 में से 35 रुपए 65 पैसे माइनस करोगे, जो आपको आएगा 14 रुपए 35 पैसे आपका आया, ये आपका क्या है, जो आपका बच गया रेट। रानी के पास इतने रुपए हैं, वो आइसक्रीम खरीदा इतने में, हाउ मच मनी डज सी हैव, तो इतना उसके पास है और उसने खरीदा आइसक्रीम इतने रुपए का है, तो क्या होगा, इसमें से उसको माइनस करो, जो आपका आया वो आपका रेट है। उसी प्रकार की बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन थे जो मैंने आपको, डेसिमल के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराया, तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप जरूर इस वीडियो को आप देखोगे, और अगर जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन को दबाएंगे जिससे कि आप और अधिक से अधिक वीडियो आप देख सकते हो। तो मैं पूरा मैथ के लिए आपको समझने की आवश्यकता होता है, लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे जो क्लास नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया, शुरू से आप इसको आप देख सकते हो बड़े प्यार से, ठीक है बेटा। ओके, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने कराया, तो आपको 8.1 से लेकर 8.5 तक का एक एक्सरसाइज आपको इसमें मिलेगा बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप इसको कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो 8.1 क्लास 6 और चैप्टर नंबर डेसिमल का चैप्टर है। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।